बहुत हार्ड था, फिजिक्स और मैथ्स पास करना होता। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए अविनाश क्लासेस चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप रहें टेंशन फ्री। तो सब्सक्राइब करो। आज का वीडियो अविनाश क्लासेस में पोस्ट ऑपरेटिव डाइट है। जनरली इस पे नोट्स पूछता है, ये पोस्ट ऑपरेटिव डाइट ऑब्वियस है, ये सर्जरी के बाद कौन सा डाइट लेना है उससे रिलेटेड है। कोई भी सर्जरी होता है उसमें किस किस चीज़ का रिस्क होता है? उसमें रिस्क होता है इन्फेक्शन का, न्यूमोनिया का, न्यूमोनिया, इन्फेक्शन, डिक्रीज्ड मोबिलिटी, वेट लॉस, ये सब चीज का उसमें डर रहता है, उसमें रिस्क होता है। इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, डिक्रीज मोबिलिटी हो जाए, वेट लॉस हो जाए, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाए। लेकिन अब हमको क्या करना है? हॉस्पिटल से अगर आप घर आते हैं तो ऐसा कौन सा डाइट दिया जाए जो कि उसके लिए बेस्ट हो, उसी को हम पोस्ट ऑपरेटिव डाइट बोलते हैं। तो 10 डाइट ऐसा है जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, दैट विल प्रोवाइड योर बॉडी विद द एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इट नीड्स टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन, एक्सेलरेट हीलिंग, इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड एनर्जी एंड मेंटेन योर न्यूट्रिएंट स्टोर्स। द बेस्ट पार्ट इज दीज 10 फूड्स आर डिलीशियस, दे आर ऑल्सो मच मोर एंजॉयबल व्हेन शेयर्ड विद अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर। तो पहला फ्रूट में हम आ जाते हैं बेरीज। बेरीज में क्या क्या होगा? बेरीज में ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट्स है, ब्लूबेरीज है, रसबेरीज है, स्ट्रॉबेरी है, गोजी बेरीज है, ब्लैकबेरीज है। ये टोटल बेरीज है, ये हम बेरीज ले सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव डाइट में। अब ये क्या है? बेरीज आर ऑल्सो एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये विटामिन सी के बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी, और विटामिन सी इज हेल्पफुल इन रीबिल्डिंग कोलेजन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, मीनिंग योर इंसिशन साइट विल हील क्विकर। मतलब ये कि ये कोलेजन के रीबिल्डिंग में और सॉफ्ट टिश्यूज के रीबिल्डिंग में इसका महत्वपूर्ण योगदान है विटामिन सी का, और वो जो साइट है सर्जरी साइट को वो हील अप जल्दी करेंगे। पहला डाइट ये हो गया, जल्दी जल्दी हम दूसरा डाइट भी देखेंगे। दूसरा डाइट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में कौन कौन सा वेजिटेबल्स है? कैरेट्स, स्वीट बेल पेपर्स, शिमला मिर्च को हम बोलते हैं, ये ब्रोकली। ब्रोकली बाजार में मिलता है वो ग्रीन कलर का बंदा गोभी टाइप से होता है, कॉलीफ्लावर उसी को ब्रोकली बोलते हैं। कैबेज बंदा गोभी हो गया। स्वीट पोटैटोज हो गया। तो ये सब जो है वो हम ये दूसरा फूड के बारे में बता रहे हैं जो वेजिटेबल्स हैं, और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट देंगे जो कि हीलिंग डाइट बोलते हैं, इसको हील करेगा। इंक्लूडिंग दीज वेजेज इन योर डेली डाइट एड्स ए हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच विल हेल्प योर बैटल द फैटिक दैट इज कॉमनली फेल्ट आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम हॉस्पिटल। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड योर ब्रेन विद इनर्जी एंड स्टॉप मसल फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन।
योर बॉडी विल ऑल्सो गेट ए बूस्ट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी. Another great benefit is that the fiber in a diet high in vegetables reduces constipation, which is a common side effect of pain medication and decreased mobility. मतलब ये हुआ कि हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे जो कि ब्रेन को और एनर्जी बूस्टअप है और हमारे मसल्स को क्रैम्प होने से बचाएगा. विटामिन ए भी देंगे, ये विटामिन सी भी देंगे, विटामिन ए विटामिन सी भी देंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करने में इनका अहम योगदान रहेगा. अब नेक्स्ट है फैट्स नट्स वायर. अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पर. जल्दी से हम लोग देख लें, दो डाइट हुआ. नेक्स्ट डाइट है फैट्स नट्स ऑयल फिश. इसमें कौन कौन सा है? ऑयल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, कोकोनट ऑयल, नट्स, सीड्स. ये सारे लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है, लेकिन इससे क्या होगा? आफ्टर सर्जरी हेल्दी फैट हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब ऑल दोज विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो फैट इज इसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग योर इम्यून सिस्टम एंड डिक्रीजिंग योर चांस ऑफ इंफेक्शन. ठीक है, फैट का रोल आपको समझ में आ गया. और क्या फैट का रोल है? फैट प्रोवाइड यू ए लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी. मेनी टाइप ऑफ फैट्स एंड नट्स आर हाई इन विटामिन ई, पर्टिकुलरली आलमंड्स. विटामिन ई ऑल्सो हेल्प्स वुंड्स हील फास्टर एंड रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ स्कैर्स. ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि फैट्स क्यों चाहिए और इसका क्या फंक्शन है. आगे हम डार्क लीफी वेजिटेबल्स. तो और तो बहुत सा चीज है जो विदेशों में अवेलेबल है. हमारे यहाँ स्पिनच है, मस्टर्ड ग्रीन है और बाकी जैसे कैले है, ये बाहर है, वो भी यहाँ फॉरेनर फूड है. स्विस कैड हुआ, ये सब बाहर का है. तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम यहाँ लेंगे वो विटामिन रिच ग्रीन वेजिटेबल होंगे. और इनका क्या फंक्शन ये भी हम जान लेते हैं. लीफी ग्रीन मे नॉट बी एज पॉपुलर एज कलरफुल बेरीज एंड फैट्स बट दे आर vitally important. A hearty serving of green on your plate gives you a dose of vitamin A, C and E as well as vitamin K which is essential for your blood clotting. Mind you, they also give the vitamin K which is essential for blood clotting. You will also be absorbing the vitamin B complex vitamin which help with energy levels. They contains fiber, iron, magnesium, potassium and calcium. So green vegetables are just like a multivitamin. इसके बाद हम पांचवा में फिफ्थ नंबर में बात करेंगे मीट्स का. मीट्स में क्या है? पोल्ट्री मतलब चिकन, सी फूड, बीन्स, नट्स, एग, टोफू, ये सब की जो है हम लोग ले सकते हैं. इसमें क्या है? अब आप ये ध्यान से देखिएगा, ये मीट एंड अदर अल्टरनेटिव्स में इट इज इंपॉर्टेंट टू ईट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. ये नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन की चर्चा कर रहे हैं.
सर्जरी होने के बाद योर बॉडी नीड्स अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आयरन. योर मसल्स हैव बीन पोटेंशियली डैमेज्ड, मूव्ड एंड मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीड्योर एंड नाउ नीड्स टू रिपेयर दोज मसल्स. अमीनो एसिड इज द प्रोटीन हेल्प रिपेयर मसल्स डैमेज बाय रीजेनरेटिंग टिश्यूज एंड स्पीडिंग ऑफ wound healing. Iron will help you regain your energy level more quickly as iron creates new blood cells. So after surgery you may find that you have difficult digestion or even chewing tougher meats, dry meats that have been slow cooked in sauces or ground meats. Another excellent source of protein is our next powerhouse food, that is egg. तो ये चीज को आप नोट डाउन कीजिए, वीडियो बार बार देख के नोट बना लीजिए. इसके बाद हम एग की चर्चा करते हैं. एग क्या है? 6 ग्राम ऑफ एग ऑफ प्रोटीन, विटामिन ए, ई एंड के, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 included, riboflavin, folic acid, calcium, zinc और iron. ये सब क्या है, क्या लिख रहे हैं ये ठीक से ध्यान दीजिएगा. Nature has provided us with our ideal healing food material. Packed in a cell. वो सेल क्या है? Eggs are the traditional first meal to serve to invalids and recovering individual and with good reason. All those nutrients we have already discussed as being vital for a quick recovery. The best part is that eggs are easy to serve and prepare. ठीक है? तो एक का importance आपको समझ में आ गया. अब जो है प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स भी जरूरी है. प्रोबायोटिक्स क्या है? हैप्पी हेल्दी बैक्टीरिया. प्रोबायोटिक्स में हैप्पी हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं दैट योर बॉडी नीड्स टू डाइजेस्ट फूड, प्रोवाइड मेंटल बैलेंस and fight off all the germs and infection you are prone to after a hospital stay or procedure. Some of the most form of probiotic is food क्या है? ये आप लोग सब कोई जान रहा है. Yogurt, हमारे यहाँ जिसको दही बोलते हैं. Kefir भी है, आप इसको नेट पे जाके देख सकते हैं. सबका अलग मीनिंग है, सबका अलग बनाने का तरीका है. और दूसरा है किमची. ये सब आपको प्रोबायोटिक्स. इसमें इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द गुड डाइजेशन. तो सर्जरी कैन बी टफ ऑन योर सिस्टम. एनेस्थेटिक्स, एंटीबायोटिक, पेन किलर अपसेट द डेलिकेट बैलेंस इन योर गट, लिविंग यू विद डाइजेस्टिव अपसेट्स, कॉन्स्टिपेशन एंड नॉजिया. A healthy dose of probiotic can help you to regulate your system. ठीक है? Brightly colored foods. और आप क्या ले सकते हैं? Brightly colored food. Brightly colored food क्या है? Orange, apple, berries, melon, apricots, peaches, grapefruit, mango, papaya, tomatoes. ऐसे ढेर सारे ब्राइटली कलर फ्रूट हैं. इनका क्या काम है, इससे हमको क्या प्राप्त होता है और पोस्ट सर्जरी में इसको हमको क्यों लेना है? After surgery, it is even more important to eat all the colors of the rainbow. ये कहावत है. By
Find a bowl full of the brightest colored fruit and veggies and get a good source of vitamin A, C, carbohydrate, fiber, antioxidant, and the nutritious calories your body needs to bounce back. Fiber is essential following surgery to avoid the discomfort of constipation. Fruits provide that fiber with a dose of color, vitamins and energy boosting grams. So, आपको पता चल गया कि क्या जरूरत है इस फ्रूट्स का और ये हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे शरीर को क्या बेनिफिट है। दो और फ्रूट बचा है, उसको हम तुरंत यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वीडियो हमारा खत्म होगा। एक आठ हम लोग होल ग्रेन, नाइन्थ में होल ग्रेन। होल ग्रेन में क्या क्या है? वही होल व्हीट, व्हीट सबको जानते हैं, गेहूं है, स्टील कट ओट्स, आजकल ओट्स भी मिल रहा है मार्केट में, सारे लोग जानते हैं ओट्स को, वाइल्ड राइस, ये सब चीज होल ग्रेन में आता है, मतलब साबुत अनाज जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। Eating plenty of whole grains after surgery will provide your body with the carbohydrates your brain needs for energy and stops your muscle from breaking down. आपको पता है ना कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर में ब्रेन के एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? ग्लूकोज। तो द बल्क ऑफ योर विटामिन्स एंड मिनरल्स विल बी कमिंग फ्रॉम योर हेल्दी फैट्स, वेजी, फ्रूट एंड प्रोटीन्स, बट कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी फूड। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो हम चर्चा करेंगे वो वाटर है, पानी। प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। द इजिएस्ट एंड मोस्ट ओवरलुक्ड थिंग वी नीड आफ्टर सर्जरी इज वाटर। डोंट फॉरगेट योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 55-65% ऑफ वाटर। Dehydration is common and maintaining adequate level of hydration will help you recover quicker. So, depending on the type of surgery you have and the medications you are on, your requirement of fluid may be higher than usual. क्या करना है? Flavoring your water with lime or lemon, lime lemon के साथ मिला के लीजिए, coconut water पीजिए, eating high water content foods like soup वगैरह, प्रिपेयरिंग ए स्मूदी, स्मूदी एक होता है, पांच छह चीज को मिलाकर बनाया जाता है एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ, ड्रिंकिंग हर्बल टीज, हर्बल टीज में लोग बोलता है एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो हर्बल टीज आप ले सकते हैं। अच्छा, और कौन कौन सा चीज है जो हमको रिकवर करता है? यहाँ हम न्यूट्रिएंट का नाम ले लेंगे जल्दी से। सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट, उसमें क्या क्या आता है? बेरीज, ग्रेप्स, स्पिनच। दूसरा कैल्शियम, योगर्ट, आलमंड्स। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या क्या है? होल ग्रेन, कैरेट, स्वीट पोटैटोस। चौथा फाइबर, फाइबर में क्या क्या है? फाइबर में है पोटेशियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम से रिलेटेड फूड, रिसबेरीज, नट्स, बीन्स, ये सब फाइबर। फाइबर में क्या है आप जानते हैं, क्या ले सकते हैं? आयरन, स्पिनच, कैश्यू, काजू, मैग्नीशियम, नट्स, सीड्स, एवोकाडो, पोटेशियम, स्वीट पोटैटो, वाइट बीन्स, प्रोटीन, ऑब्वियसली एक पॉलिट्री बीन्स, विटामिन ए सबको जानता है, कैरोट, स्वीट पोटैटोज, एप्रिकॉट, विटामिन बी, मीट, सी फूड एंड एग्स, विटामिन सी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर्स, विटामिन ई, सनफ्लावर सीड्स, स्विस कार्ड एंड एस्पेरेगस, विटामिन के, विटामिन के ब्रोकली एंड रोमन लेट्यूस, जो यहाँ का फूड नहीं है, बाहर का है। कौन सा चीज़ हम एडवाइड करेंगे सर्जरी के बाद? एडेड शुगर हम नहीं लेंगे, हाई प्रोसेस्ड फूड नहीं लेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे, और अपने डाइट को उसी हिसाब से प्लान करेंगे जिस हिसाब से हमने आपको अभी बताया है। इसलिए इस वीडियो को देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव डाइट पे वीडियो है, और इसे वीडियो को देख के एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देखिए, नोट्स बनाइए और